तो दोस्तों सभी सुपर बाइक लवर के लिए और जो लोग 600 सीसी कैटेगरी का कोई बाइक खरीदने के बारे में सोच रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ा एक खुशखबरी आ गया है, जिसके बारे में आपको थंबनेल और टाइटल देख के तो मालूम पड़ ही गया होगा। तो दोस्तों कावासाकी निंजा ZX 6R का 2024 मॉडल लॉन्च होने वाला है इसी साल 2023 में। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको इस बाइक में आपको क्या क्या चेंजेस मिल जाएगा वो सभी डिटेल्स मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, और इसका प्राइस क्या रहने वाला है और ये बाइक कब लॉन्च होगा वो भी मैं इस वीडियो से बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों ये सभी डिटेल्स पाने के लिए इस वीडियो को जरूर से पूरा देखना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन टू स्टार्ट। इस बाइक के सभी अपडेट्स देने से पहले इस बाइक के कुछ हिस्ट्री के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो साल 1995 में जापानीज मैन्युफैक्चरर कंपनी कावासाकी के तरफ से अपने निंजा सुपर स्पोर्ट्स बाइक सीरीज में एक नया बाइक लॉन्च हुआ जो कि है कावासाकी निंजा ZX 6R। बाकी सभी कंपनी जैसे कि होंडा, सुजुकी, यामा, इस तरह की कंपनियों से आने वाला इस कैटेगरी के बाइकों के जवाब में इस बाइक को लगातार अपडेट मिलता रहा है, और इसी तरह साल 2023 में ही 2024 मॉडल का लॉन्च करने वाला है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस बाइक में आपको क्या क्या चेंजेस किया गया है। तो कावासाकी ZX 6R का 636 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन में रिवर्स कैम प्रोफाइल दिया गया है, जिसके मदद से लो रेव रेंज में आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाता है। एंड कावासाकी की तरफ से ये भी कहना है कि इस बाइक के फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है, जिसके मदद से पहले से ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी आपको मिल जाता है। इसके अलावा 2024 कावासाकी ZX 6R का एयरबॉक्स में भी थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है एंड एक नया इनटेक फनल डिज़ाइन किया गया है जो इस बाइक का लो आरपीएम परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। एंड कावासाकी टीम ग्रीन ने 2024 ZX 6R के पिस्टन एंड सिलेंडर पाइप लेआउट में भी चेंजेस किया है। इसके अलावा अब इस बाइक में आपको 3 राइडिंग मोड दिया गया है जो कि है स्पोर्ट्स, रोड एंड रेन, जो कि सेफ्टी के मामले में बहुत ही ज़्यादा अच्छा चीज़ है। तो अब बात कर लेते हैं इस बाइक के आउटसाइड लुक के बारे में। दोस्तों इस बाइक में आपको बहुत ही ज़्यादा चेंजेस किया गया है इसके डिज़ाइन में, जैसे कि इसमें आपको न्यू फ्रंट काउल मिल जाता है, न्यूली डिज़ाइन LED हेडलाइट एंड LED टर्न सिंगल यूनिट मिल जाता है, एंड इसमें आपको एक विंडशील्ड भी न्यू दिया गया है जिसको ये लोग कह रहे हैं 3D इंटर ओवन बॉडी वर्क। तो ये डिज़ाइन तो आपको स्क्रीन में देख ही पा रहे होंगे, तो कैसा लग रहा है वो कमेंट सेक्शन में बताना। पहले तो थोड़ा सा अजीब सा लग गया क्योंकि हर एक बाइक के साथ ऐसा ही होता है, पहले थोड़ा सा अलग लगता है क्योंकि पिछले वाले डिज़ाइन से हम लोगों को प्यार हो जाता है। तो बताना फिर भी आपको कैसा लग रहा है। तो आप देख लेते हैं इसके इंजन एंड परफॉर्मेंस में आपको क्या क्या चेंजेस मिल जाएगा। तो इंजन की मैंने बात करें तो इसमें आपको ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं मिलता है। 636 सीसी, 4 स्ट्रोक इनलाइन 4 सिलेंडर, DOHC 16 वाल्व्स एंड लिक्विड कूलिंग 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। लेकिन दोस्तों पावर एंड टॉर्क के मामले में बहुत ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर ओल्ड कावासाकी ZX 6R में आपको 128.2 BHP का पावर देखने को मिलता था, वहीं पर अभी जो आने वाला है उसमें आपको 122.3 BHP का पावर देखने को मिलता है 13,000 RPM पर। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है लेकिन 4 से 5 BHP का पावर तो आपको गिरावट देखने को मिलेगा ही। और दोस्तों टॉर्क के बारे में बात करें तो पुराने वाले कावासाकी ZX 6R में आपको 70.6 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है, वहीं पर ही जो नए आने वाला है वहाँ पर आपको 69 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है 11,000 RPM पर। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा गिरावट तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत गिरावट तो यहाँ पर भी है। एंड माइलेज एंड टैंक कैपेसिटी में आपको कोई भी चेंजेस आपको नहीं मिलता है। माइलेज मिल जाता है 23.6 KMPL का एंड टैंक कैपेसिटी मिल जाता है 17 लीटर का। एंड ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें ABS के साथ और एक चीज़ ऐड किया गया है जो कि है KIBS, जो ABS ECU को इंजन के ECU से जोड़ता है, जिससे ब्रेकिंग के टाइम ज़्यादा सेफ्टी मिल जाता है। एंड ECU का मतलब अगर किसी को नहीं पता है उन लोगों के लिए मैं कह देता हूँ, ये है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। एंड फ्रंट में आपको 310mm रेडियल माउंट मोनोब्लॉक मिल जाता है, जिसमें आपको 4 पिस्टन ड्यूएल सेमी फ्लोटिंग डिस्क मिल जाता है। एंड रियर में आपको 220mm सिंगल बोल पिन स्लाइड सिंगल डिस्क मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं वेट एंड सीट हाइट के बारे में। तो दोस्तों वेट में भी यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है, यहाँ पर उल्टा हो गया है, यहाँ पर वेट अब बढ़ चुका है। पहले इस बाइक का कार्ब वेट था 196 kg का, अब जो आने वाला है इस बाइक का कार्ब वेट होने वाला है 198 kg का। एंड सीट हाइट सेम है 830mm का। प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में बात करने से पहले मैं शुक्रिया जानता हूँ आपको अभी तक ये वीडियो देखने के लिए,
और एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी अच्छा लग रहा है, आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में। तो दोस्तों इस बाइक का प्राइस रहने वाला है 11 लाख से 12 लाख के अंदर, एंड ये बाइक इंडिया में लॉन्च होने वाला है अगस्त 2023 में। तो दोस्तों ये बाइक आपको कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और दोस्तों एक सजेशन देना चाहता हूँ, अगर आपके पास पुराना ZX6R है तो फिर आप उसको संभाल के रखिए, अगर इस बाइक का स्पेसिफिकेशन सच हुआ तो फिर थोड़ा बहुत तो गड़बड़ी है यार। एंड और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, इनमें से ज़्यादातर डिटेल्स ऑफिशियल वेबसाइट मतलब कावासाकी के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, तो समझ सकते हो आप। और दोस्तों ऐसे वीडियो पाने के लिए हम सभी का चैनल फीलिंग थंडर को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। तो आज के लिए यही तक, फिर से मिलेंगे किसी और एक दिन और एक वीडियो में।